Assalamualaikum dear students, and welcome back. So we are going to start in the lecture that is about biosafety cabinet or biological safety cabinet. Okay, so let's begin with the biological safety cabinets. So basically biological safety cabinet hume protection provide karti hai theek hai against any harmful substance organism that are harmful for us, ठीक है. So biological safety cabinet या biosafety cabinet हमें basically protection provide करती है, ठीक है. By the means of containment developed for working safely with the infectious microorganism. तो जो basic जो हमारा बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी भी organism, infectious organism के साथ काम करें तो हम सेफ रहें, ठीक है, ताकि हम सेफली काम कर सके इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म के साथ. दिस इज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बाय सेफ्टी एज दे मिनिमाइज द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट डिपोजिंग एंड द लेबोरेटरी पर्सनल. तो अगर हम बाय सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय सेफ्टी एक अलग एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है. तो इसके अंदर बहुत से प्रोटेक्शन, बहुत से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स आते हैं, लेकिन हम करंटली सिर्फ बायोसेफ्टी कैबिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या करता है, एरोसोल को मिनिमाइज करता है, क्योंकि किसी भी प्रोसीजर के वक्त अराइज हो सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकते हैं, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. सिक्योजन एंड लेबोरेटरी पर्सनल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. लेबोरेटरी पर्सनल मीन्स the person who is working in the lab, ठीक है. जो बंदा लैब में काम करता हो वो लेबोरेटरी पर्सनल एक्चुअली होता है. तो व्हाई वी यूज बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, हम क्यों यूज करते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट, हमें क्यों जरूरत पड़ जाती है. जब हम कोई भी इंफेक्शियस सब्सटेंसेस यूज करते हैं और हमें उससे खतरा हो, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम खुद को उससे महफूज करें, तो हम बायोसेफ्टी कैबिनेट का यूज करते हैं, ठीक है. बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स आर बिल्ड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन. थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन बेसिकली हमें देती है बीएससी. नंबर वन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द वर्क एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस, ठीक है. जो हमारी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोविड को डील कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कोविड वायरस को, कोरोना वायरस को हम डील कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ये एक हाईली डेंजरस वायरस है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको डील करते हैं, तो फिर हम बायोसेफ्टी कैबिनेट में इसको डील करते हैं, क्योंकि ये खतरनाक वायरस है, ठीक है. तो हम जो प्रोसेस करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंस्पेक्शन करेंगे, वायरल इंस्पेक्शन करेंगे, या कोई दूसरा प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वायरस को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें कोई कंटामिनेशन ना आए, कोई दूसरी वो वायरस या बैक्टीरिया या व्हाटएवर टेस्ट वगैरह कुछ ना पड़े, जिससे हमारी जो प्रोसेस हो, जो एक्सपेरिमेंट हो, उस पर असर पड़े और उसका रिजल्ट हमें फिर डिफरेंट आ जाए. तो हमें ये सब अवॉइड करना है, ठीक है. डिफरेंट वायरस डिफरेंट है, इंडा वायरस है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, जो कि इंफेक्शियस एजेंट्स है, जो कि एरोसोल या ड्रॉपलेट्स के थ्रू हम इनहेल कर सकते हैं. तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटामिनेंट्स विद इन दिस कैबिनेट, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट के थ्रू. एनवायरनमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हम एक्को इन्फ्लुएंजा वायरस यूज कर रहे हैं, या जीका वायरस है, या कोई और डेंजरस वायरस है, ठीक है. तो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में डिफरेंट फिल्टर्स लगे होते हैं, हीपा फिल्टर्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बायोसेफ्टी कैबिनेट से जो एयर निकलती है एग्जॉस्ट के थ्रू, वही एयर फिल्टर होकर निकलती है, उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं जाने देती, तो उसको फिल्टर करके जो एयर होती है वो जाती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में. तो इस तरह हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि लैब से बाहर भी किसी को इस डेंजरस वायरस या कोई दूसरा सब्सटेंस हो उससे कोई बीमारी ना पड़े.
ठीक है। और तीसरा हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल एजेंट इन द कैबिनेट, ठीक है। जो पर्सनल लैब में काम करता है, ठीक है, जो बंदा लैब में काम करता है, जो लैब वर्कर है, लैब टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, व्हाटएवर है, साइंटिस्ट है कोई, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी होती है, ठीक है। बाई सेफ्टी कैबिनेट उसको भी प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दैट हार्मफुल एजेंट, ठीक है। तो ये मेन थ्री इम्पोर्टेंट बाई सेफ्टी कैबिनेट के यूजेस थे जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब इसकी बाई सेफ्टी कैबिनेट की स्पेसिफिकेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो मेन जो इसके टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। एक है क्लास वन बाई सेफ्टी कैबिनेट, दूसरा क्लास टू बाई सेफ्टी कैबिनेट, तीसरा क्लास थ्री बाई सेफ्टी कैबिनेट। तो जो क्लास टू है तो इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, एक क्लास टू ए है, दूसरा क्लास टू बी है। तो जो क्लास टू है इसके फर्दर के टू टाइप्स हैं, क्लास टू ए वन, क्लास टू ए टू। और फिर जो क्लास टू बी है इसके फिर फर्दर टू टाइप्स हैं, क्लास टू बी वन और क्लास टू बी टू। ये डिफरेंट बाई सेफ्टी कैबिनेट्स हैं और इसके बेसिकली जो प्रोटेक्शन है यूजेज है, ठीक है, वो अलग अलग है और इस बेसिस पे उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है। और फिर इसने ये बात दिया थी कि अगर हमारे पास जो डिफरेंट लैब होते हैं, ठीक है, बाई सेफ्टी लेवल वन, बाई सेफ्टी लेवल टू, बाई सेफ्टी लेवल थ्री, बाई सेफ्टी लेवल फोर, तो फिर इसके हिसाब से भी, तो अगर हम कोई हाई इंफेक्शन एजेंट डील कर रहे हैं तो फिर हम इस हिसाब से बाई सेफ्टी कैबिनेट भी यूज करते हैं लैब में, ठीक है। और अगर हम मॉडरेट लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म डील कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम इस हिसाब से बाई सेफ्टी कैबिनेट उस किसी लैब में कंपलसरी समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रिस्क ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसको WHO ने क्लासिफाई किया हुआ है रिस्क ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी क्लासिफिकेशन को देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म हम इस बायोसेफ्टी कैबिनेट में डील करेंगे और ये वाला ऑर्गेनिज्म इस बायोसेफ्टी। जिस तरह अगर हम बात करें तो इबोला वायरस, जीका वायरस जो कि हाईली डेंजरस वायरस हैं, ठीक है, जीका वायरस हैं, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं क्लास थ्री बायोसेफ्टी कैबिनेट में मोस्टली डील करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल थी। इसके अलावा कुछ कोई भी चेडल है जो कि हमें कोई इन्फेक्शन काज नहीं करती, ठीक है, तो वो हम क्लास वन में डील करते हैं, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो फिर हम किसी काज से डील करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट बाई सेफ्टी कैबिनेट्स, ये है डिफरेंट कैबिनेट्स, ठीक है। क्लास वन कैबिनेट देख लें, एक सिंपल सा कैबिनेट है, ठीक है, इसका ओपन जो फ्रंट ग्लास है ओपन किया हुआ है और जिस तरह जिसकी तरफ आप देखें क्लास टू कैबिनेट है, थोड़ा मॉडर्न टाइप का है, ठीक है, पेंसिल ट्री इसमें अंदर लगे होते हैं। और इस तरह आप क्लास थ्री देखें, और क्लास थ्री में आप लोग इस बात नोट करें थोड़ा मॉडर्न है और इसमें और भी ज़्यादा मतलब प्रोफेक्शन होती है। इसके जो ग्लास है पीछे फ्रंट ग्लास, इसमें दो राउंडेड ब्लैक हॉल हैं, ठीक है, इसमें एक रबर टाइप के ग्लव्स लगे होते हैं, ठीक है, इसमें परमानेंट लगे होते हैं, आपने सिर्फ इसके अंदर हाथ डालना होता है, ठीक है, और उन ग्लव्स में हाथ फिट करके आप बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको आप ओपन नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ जब ये बंद होता है तो आप अपनी जो सामान है वो उसके अंदर रख के उसको आप क्लोज करके तभी जाके आप उसमें काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास थ्री है जो कि हाईली इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है और सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है। तो आप देखते हैं पार्ट ऑफ बायोसेफ्टी, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये है क्लोन का एक बायोसेफ्टी कैबिनेट, ठीक है, इसके राइट हैंड से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेफ्टी पावर लॉक होता है ऊपर, ठीक है, और उसके बाद
फ्लोरोसेंस लैंप होती है, ठीक है, जो कि बिहाइंड द कवर होती है। और उसके बाद सॉकेट होते हैं इसमें दो, ठीक है, सॉकेट इसके अंदर लगे होते हैं ये शीशे के ऊपर। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि ये शीशे के ऊपर है, जो फ्रंट ग्लास है ये बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है। बाइसेप्टिक एलिमेंट की जो साइड वॉल है इसके है, ठीक है। और इसमें आप अगर आपने कोई सेंटरपीस अंदर रखना हो, ठीक है, या कोई वो टेस्ट या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को आपने अंदर रखना होता है, ठीक है, तो फिर उसकी स्विच आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे अंदर उसका वायर आप बाहर की तरफ नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये शीशे जो फ्रंट ग्लास है उसको आप क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर पॉकेट होते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने अंदर यूज करना होता है तो फिर आप वही पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेस्ट स्टैंड है इसके साथ, ठीक है, और रिमोट कंट्रोल होता है इसके साथ, आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फुल स्विच होता है, ठीक है, और ड्रेनिंग वेल होता है ताकि आप अगर क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर सेफ्टी करने से, तो आप इस वाल को खोल के आप इसको इसका ड्रेनिंग सिस्टम ओपन कर सकते हैं। इस तरह वर्किंग एरिया है, ठीक है, वाटर इंजेस्टेड है और अल्ट्रा वायलेट लैंप है, ताकि आप अगर काम मोस्टली आप काम खत्म करते हैं, ठीक है, मैं सबकी कैबिनेट है, तो फिर क्या करते हैं, फिर इस ग्लास को फ्रंट ग्लास है तो क्लोज करके अल्ट्रा वायलेट लैंप ऑन करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो हमारा वर्कर्स कैबिनेट है ये डिकन्टामिनेट हो जाए, और जो हम से काम करेंगे उसका प्रॉफिस शुरू करेंगे ताकि इसलिए डिकन्टामिनेट हो। और इसके साथ LCD डिस्प्ले है और कंट्रोल पैनल भी इसमें होता है, ठीक है, हम इससे को कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जॉस्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, वर्कर्स कैबिनेट को लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, अल्ट्रावाइलेट इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत से फंक्शन रहते हैं इसमें। तो ये अब फ्रंट व्यू था, और अब साइड व्यू से देख लें, ये साइड से देख लें, ठीक है, सबसे पहले इसमें ऊपर डोर मोटर होता है, ठीक है, इसके बाद फ्रंट सीलिंग प्लेट होता है, ठीक है, जो कि इसके स्ट्रक्चर को बनाती है, एक चादर की होती है, ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पोर्शन है उसको सील करती है, ठीक है, और फ्रंट कवर प्लेट है, ठीक है, ये जो इससे नीचे की तरफ होता है थोड़ा, और एयर डिफ्यूजर प्लेट है, ठीक है, और इसके बाद फ्लोरोसेंट प्लेट है और वाटर प्रूफ पॉकेट है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, और सेंटर कंसोल है, ठीक है, जो हमारी वर्किंग एरिया है बिल्कुल इसके करीब होता है, ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट लैंप सॉकेट होता है, ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट लैंप इससे थोड़ा ऊपर होता है, और वन स्पीड सेंसर होते हैं, ठीक है, जो हमारी जो एयर सर्कुलेशन है अगर वो अपनी रफ्तार से ज़्यादा तेज होती है, ठीक है, या इसमें कोई डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें हवा तेज होती है, तो फिर ये क्या करेगी, ये सेंस करेगी स्पीड से, ठीक है, और हमें अलार्म देगी। और अगर इसके अलावा हमारी फैन में फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रंट ग्लास जो है उसको क्लोज किया हुआ है और फैन को ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगी, हमारी जो वाटर सेंसर सॉरी वाइन स्पीड सेंसर होगी वो सेंस करेगी कि जो एयर सर्कुलेशन है वो अपने रिक्वायर्ड स्पीड से कम हो गई, क्योंकि जब फ्रंट ग्लास बंद हो तो फिर ड्राइव की बात है हवा बंद हो जाएगी, तो ये सेंस करेगी और हमें अलार्म देगी, ठीक है, और हमें अलार्म देने के बाद ही फॉरन जो फ्रंट डिस्प्ले है उस पर लाइट होगी, वो ब्लिंकिंग भी स्टार्ट करेगी और अलार्म दी जाएगी, तो हमें फ़ौरन फिर फ्रंट ग्लास को ओपन करना होता है, ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल एयर है इसको मेंटेन करना होता है। तो ये वाइल्ड स्पीड मीटर सेंसर का काम है, वाइल्ड स्पीड सेंसर का काम होता है, ठीक है, और इसके बाद फिल्टर इसके ऊपर हीटा फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल ही जैसे हमारे वर्किंग एरिया है बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसके ऊपर बिल्कुल मेन फिल्टर लगा होता है और इसके ऊपर फैन लगा होता है एग्जॉस्ट पाइप का, ठीक है, वो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि हवा को सर्कुलेट करे, नीचे वाली हवा को खींचता है, ठीक है, और ऊपर एक एग्जॉस्ट के थ्रू हवा निकालता है, और निकलने से पहले ऊपर एक और
एक्सटर्नल फिल्टर लगा होता है, ठीक है, और जो हमारा फैन है वो हवा को अपनी तरफ विंड के ऊपर की तरफ धकेलेगा और इस फिल्टर से ये फिर फिल्टर होके हवा निकलेगी आगे, ठीक है। पिछले स्लाइड में हमने बाई सेफ्टी कैबिनेट को क्लासिफिकेशन का टाइप पढ़े थे और क्लासिफिकेशन पढ़ी चुकी थे, तो इसके जो टाइप्स हैं अब वो हम वन बाई वन पढ़ेंगे एक एक, ठीक है। जो क्लास वन बाई सेफ्टी कैबिनेट्स हैं, ठीक है, ये मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आगे आप लोग जब एंट्री करेंगे, पी एच डी करेंगे, ठीक है, उसमें रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो तब भी आप लोगों को या आप लोग अपनी वीडियो से ही रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को के साथ इंटरेक्शन होगी, तो फिर आप लोगों को इम्पोर्टेंस का पता चलेगा और आप लोग तभी जाके डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ऐसे कैबिनेट क्या है या दूसरे कैबिनेट्स खड़े होते हैं, ठीक है, जिस तरह लेमिनर फ्लोर है, ठीक है, ये क्या है और कौन कौन से आपके काम के हैं, ठीक है, और किन किन पर्पजेस की आप यूज कर सकते हैं, ये फिर आप तब रियलाइज कर सकेंगे। तो जो क्लास वन बाई सेफ्टी कैबिनेट है ये क्या करता है, प्रोवाइड पर्सनल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑनली, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पर्सनल और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करती है और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसमें फिर हम ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एजेंट्स डील करते हैं जो कि अगर उसको माइनर कंटामिनेशन वगैरह के तौर पर कोई असर ना पड़े, ठीक है, इस तरह हमारे पास कोई केमिकल होती है तो फिर ये इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी बहुत कंटामिनेशन हो तो उसमें इतना असर नहीं पड़ता। अगर हम इसमें कल्चर फॉर एग्जाम्पल देखिए कल्चर डील करेंगे या किसी वायरस के वो डील करेंगे तो उसमें कंटामिनेशन ज़्यादा मैटर करती, ठीक है, तो आप इस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं कि आप कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा चीज यूज करते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से ऐसे की कैबिनेट सेलेक्ट करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर लो टू मॉडरेट रिस्क, ठीक है, तो ये मॉडरेट रिस्क जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चीज़ें ये उनके लिए बेस्ट है। हीपा फिल्टर प्रोटेक्ट एनवायरमेंट बाई फिल्टरिंग एयर बिफोर इट इज यूज्ड, ठीक है, तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, ठीक है, तो इसमें एक हीपा फिल्टर लगे होते हैं और वो फिल्टर क्या करते हैं, जो हवा बाहर निकलती है उनको सर्कुलेट, उनको फिल्टर करके एग्जॉस्ट करती है, ठीक है। हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया था तो इसमें एक जो हमने इसका डिज़ाइन देखा था इसमें दो जगह फिल्टर लगे होते थे, ठीक है, तो बात ऐसे बाईसेप्टिक कैबिनेट का जिसमें दो दो फिल्टर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम क्लास वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक भी फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो जो येलो एरो है वो हवा की एंट्री है, ठीक है, और जो रेड है वो सर्कुलेशन में जो एयर है उसका निशान है, ठीक है, तो जो सर्कुलेटिंग एयर है उसके रास्ते में कहीं पर भी हीपा फिल्टर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हवा सर्कुलेट होगी वो वही कंटामिनेटेड एयर वही एयर होगी और इसकी सफाई नहीं होगी, ठीक है, और उसके अंदर सर्कुलेशन करेगी कंटिन्यूस, लेकिन जब ये हवा बाहर ब्लास्ट होगी तो तब ये हीपा फिल्टर के थ्रू फिल्टर होकर बाहर जाएगी, तो इसी वजह से यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोटेक्शन नहीं करती, क्योंकि इसकी जो हवा है कंटामिनेटेड एयर होगी वो वही कंटिन्यूस कंटामिनेटेड एयर ही सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो हीपा फिल्टर क्या करती है, हीपा फिल्टर प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट बाई ये तो हमने पढ़ लिया, इक्विपमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है, अगर हमें इक्विपमेंट क्लोज एनवायरनमेंट में यूज करना हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, छोटा इक्विपमेंट, ऐसा ना हो कि आप कोई बड़ा मशीन लेके आते हैं कि आप लोग इसके अंदर मुझे डील करना है, ठीक है, छोटा इक्विपमेंट जिस तरह अगर सेंटीफ्यूज की बात करें हम या कोई की बात करें, ठीक है, या कोई और सोनिकेटर या ओवन या कोई दूसरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें वो उसको हम अंदर डील कर सकते हैं, ठीक है,
संदिग्ध की हम अगर बात करें, क्योंकि हम अगर संदिग्ध अगर हमारे पास कोई डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, उसका सैंपल है या उसका कल्चर है और हमें इसको संदिग्ध करना है, ठीक है, तो संदिग्धेशन कैबिनेट के अंदर ये भी जरूरी होती है सर। तो अगर हम संदिग्धेशन आउटसाइड कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल के चांसेस, जो एरोसोल के प्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैबिनेट के अंदर के लिए यूज करते हैं। और प्रोसीजर बेस्ड पोटेंशियली जनरेट एरोसोल या ऐसा कोई और प्रोसीजर जो कि हम इसे हमें ये खतरा हो कि इस प्रोसीजर के थ्रू एरोसोल जनरेट हो सकते हैं, तो वो प्रोसीजर भी फिर हम वर्कशॉप कैबिनेट के अंदर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्लास टू बाय सेफ्टी कैबिनेट और फिर क्लास थ्री टू क्लास फोर, ठीक है, तो ये एक थोड़ा लंबा लेक्चर है, तो वी विल ट्राई टू कवर इट इन टू लेक्चर, क्योंकि अगर मैं एक साथ आप लोगों को ये पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी है, तो फिर आई थिंक आप लोगों को फिर समझ ना आए और आप लोग किसी तरह कवर ना कर सकें, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। तो अब हमने क्लास वन पढ़ लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्लास टू से शुरू करके कोशिश करेंगे कि लेक्चर को खत्म करें क्लास टू के साथ, क्योंकि क्लास टू के फिर फर्दर बहुत शिकायत हैं, ठीक है, तो फर्दर तकरीबन फोर टाइप्स हैं, तो उनको फिर साथ पढ़ के बाद थर्ड टाइप है वो पढ़ेंगे, तो फिर शायद आप लोग कन्फ्यूज हो इस तरह, ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल कवर द नेक्स्ट क्लासेस एंड अदर स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।